नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने घर से निकले। उनके भाई तेज प्रताप यादव उनके साथ हैं, राबड़ी देवी भी उनके साथ हैं और गोपालगंज जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के जवानों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया है। और इसको लेकर जो इतने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्यों आखिर उन्हें रोका जा रहा है। जब अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं तो फिर वो जब जा रहे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने, तो इसमें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कैसा है? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने तड़ाके विधानसभा अध्यक्ष को फोन लगा दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। वहाँ जाना चाहते हैं, स्पेशल सेशन की मांग उन्होंने की है और स्पीकर का फोन लिया गया है। और यहाँ पर की बात हो रही है। तेजस्वी बोल, अरे हम तो गोपालगंज जाना चाह रहे थे लेकिन प्रशासन हमको जो रोके हुए है घर के पास ही, घर के बाहर ही रोके हुए, मेरे को घर पे ही रोके हुए हैं। तो हम, हमारे साथ सभी विधायक लोग हैं और कमेटी के चेयरमैन लोग भी हैं। तो विधानसभा का तो कमेटी का मीटिंग भी चल रहा है और हमको तो अनुमति होना चाहिए कि आपसे मिल सके, विधानसभा में जा सके। तो हम तो प्रशासन के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको स्पीकर महोदय से तो मिलने दीजिए, हाउस को, सदन को। आप हमारे संरक्षक हैं तो आपको बताएंगे जो स्थिति है उसको देखते हुए, तो आपसे तो मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इसमें हमको, मेरे साथ सारे विधायक हैं, सारे लोग हैं, कमेटी के चेयरमैन लोग हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अनुमति दिलवाइए ताकि हम लोग आपके पास आ जाए, प्रशासन अपने ही कंट्रोल में लेकर के जाए। तो आपने सुना, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जी को फोन लगाया और पूछा कि हम जाना चाहते हैं क्यों आखिर हमें रोका जा रहा है, हाउस अरेस्टिंग जैसी नौबत क्यों आ रही है, हम क्या पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते हैं? क्या कुछ कहा उन्होंने? आपने सुना है, भरोसा दिलाया है कि हम देखते हैं, इस पर कार्रवाई कराते हैं। तो क्या कुछ आगे होता है, देखने वाली बात ही है। लेकिन आज जब पहले से ही ये प्रोग्राम तय था, ये जो कार्यक्रम है पहले से ही तय था कि जितने विधायक हैं वो सभी तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बातचीत की है, तो क्या लग रहा है कि ये रोका जा रहा है अचानक से, पहले से प्रोग्राम का पता नहीं था सरकार को? नहीं, सरकार को सूचना पहले दी गई थी और लॉकडाउन का हवाला देकर हम लोग को रोका गया है। लेकिन इस लॉकडाउन में अपराधियों को पास मिला हुआ है अपराध करने के लिए। नहीं, तो आप लोग भी तो धजिया उड़ा रहे हैं ना? कहीं नहीं धजिया, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर रहे हैं और समर्थक कहीं आ गया तो हम लोग कहीं पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग के कह रहे हैं कि नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसमें तो भी कह रहे थे कि हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में अब उनके नेता भी कह रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से जितने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी तेजस्वी यादव की गाड़ी को घेर करके खड़े हैं और आगे तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी का भी काफिला है। पूरी तरह से तैयार हैं लेकिन जाने से मनाही हो रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।